हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने में कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगता है। इसके लिए हम एक्सेल पर वर्किंग करेंगे और देखेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट की क्वांटिटी क्या होगी, सैंड की क्वांटिटी क्या होगी एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि M5, M7.5, M10, M15, इसी तरह M20, 25 ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो कंक्रीट की होती है। अब इसमें M5 के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्या रेशो है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि M5 के लिए सीमेंट का सैंड और एग्रीगेट के लिए 1:5:10, इसी तरह M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन के लिए M5 में जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है, क्योंकि इसका मिक्स करके हमको कंक्रीट बनाना है, तो इसका समेशन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसका समेशन आएगा 16। इसी तरह M25 के लिए या M25 के लिए जो इसका समेशन होगा वो 4 होगा, रेशो होगा। अब नाउ हमें इसमें कैलकुलेशन के लिए डेंसिटी भी चाहिए होगी। डेंसिटी जैसे सीमेंट की डेंसिटी है 1440 kg/m³, सैंड के लिए 1700 kg, एग्रीगेट के लिए 1650 kg/m³ एंड वाटर का 1000 kg/m³ होता है। एंड एज वेल एज वी हैव टू नीड फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ऑल सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट ऑल्सो। सो सीमेंट के केस में 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, सैंड के लिए 2.6 एंड एग्रीगेट के लिए 2.6 हमने एज्यूम किया हुआ है। एंड वी हैव टू एज्यूम एज वेल एज ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, ये 1.54 होता है पर 1.54 क्यूबिक मीटर होता है। इतना मटेरियल अगर हम इसको कंक्रीट बनाएंगे तो जो इसका वेट वॉल्यूम आएगा वो 1 क्यूबिक मीटर होगा। तो ये हमें एज्यूम करके चलना है और इस क्वांटिटी को या इस अजम्पशन को ध्यान भी रखना है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे M20 के लिए। अब M20 में क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो टेबल प्रिपेयर की थी ये वाली, इसमें हमको इनपुट डालने हैं। तो एन कॉलम में जाकर हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगा के क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पता करना है M20 के लिए। तो M20 के केस में सीमेंट का रेशो क्या है, 1, ये 1 हमने सेलेक्ट किया। 1 रेशो किस में है, टोटल में, तो 5.5 में। इसके बाद इसका ड्राई वॉल्यूम कितना है, 1.54, इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये पर्टिकुलर 1.54 में सीमेंट का क्या वॉल्यूम है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, 0.28 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है ड्राई वॉल्यूम के केस में। अब इसी के केस में सिंपली सैंड का क्या वेटेज है, तो M20 केस में 1.5 है, M20 केस में 1.5 है सैंड के लिए और टोटल कितना है 5.5, और हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई वॉल्यूम से। एज वेल एज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट के केस में M20 का जो रेशो है 3 है, इसके बाद इसका टोटल सम कितना है रेशो का, 5.5 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.5, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि सीमेंट का 1.54 क्यूबिक मीटर का एक वॉल्यूम सेट है। अब उसमें सीमेंट की क्वांटिटी है 0.28 क्यूबिक मीटर। अब हमको निकालना है कि एक्चुअल में सीमेंट, क्योंकि हमें मार्केट में कैसे मिलेगा, केजी में मिलेगा या बैग में मिलेगा, ठीक है, तो अब हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो 0.28 क्यूबिक मीटर हो गया, और हम जानते हैं कि इसका जो डेंसिटी है 1440 kg/m³, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 1440 kg का वेट होता है। तो 0.28 क्यूबिक मीटर में कितना होगा, जस्ट हमें 0.28 से 1440 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमें निकल जाएगा 403 kg। ठीक है, इसी तरह हमको निकालना है क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो सैंड के केस में 0.42 है, 0.42 क्यूबिक मीटर है, तो 0.42 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे सैंड के डेंसिटी से। तो सैंड की डेंसिटी से हमको ये फिर से केजी में निकल आएगा। और एज वेल एज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के केस में 0.84 रहेगा, और 0.84 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1650 का, तो ये हमारे वेट्स हो गए। अब वेट्स के बाद, क्योंकि अभी हमको सीमेंट किस में चाहिए, बैग्स में चाहिए, तो हमें पता है कि जो मार्केट में बैग आते हैं सीमेंट के, उसमें 50 kg सीमेंट होता है। तो अभी हमारा 1 क्यूबिक मीटर के लिए 403 kg सीमेंट आया है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे
50 से, तो ये 8.064 बैग्स हमें लगेंगे। ठीक है, अब जो मार्केट में हमें क्वांटिटी सैंड और एग्रीगेट जो मटेरियल या रॉ मटेरियल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फर्स्टली हम मेट्रिक टन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट में जो सप्लाई होती है वो टनेज बेसिस पे होती है, क्योंकि जो ट्रेलर होता है या व्हीकल्स होते हैं या ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल होते हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल आता है वो टनेज बेसिस पे आता है या सीएफटी बेसिस पे आता है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। दिस इज एन ए सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट वेटेज फॉर अ पर्टिकुलर M20 और M7.5 और M10 वेटेज। ओके, सो इन द सेम मैनर यू हैव ऑल्सो कैलकुलेट द M5, M7.5, M10 वेटेजेस फॉर रॉ मटेरियल। सपोज फॉर M15 सेम प्रोसेस, इन M50 केस वी हैव टू चूज द रेशो फॉर M15। ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द सीमेंट। नाउ सीमेंट रेशो इज 1 एंड होल रेशो इज 7। ओके, नाउ मल्टीप्लाइड विथ ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, सो दीज वैल्यूज आर इन क्यूबिक मीटर। ओके, नाउ क्वांटिटी ऑफ सैंड इन केस ऑफ M15, व्हाट इज द रेशो ऑफ सैंड इज 2 एंड डिवाइड बाय होल इज 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, सो टोटल इज 0.44। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीगेट, व्हाट इज द रेशो ऑफ रेशनल वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इन M15 इज 4, नाउ डिवाइड बाय टोटल इज 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट 1.54। दीज आर द क्यू वॉल्यूमेट्रिक वैल्यू। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू केजी और टन। ओके, नाउ व्हाट इज द सीमेंट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज 1440, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू इन केजी फॉर सीमेंट एंड एज वेल एज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर सैंड एंड एग्रीगेट। सो इन केस ऑफ सैंड इज 1700 डेंसिटी एंड इन केस ऑफ एग्रीगेट इज 1650 डेंसिटी। नाउ दीज वैल्यूज आर इन केजी बिकॉज द डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन इन केजी। सो नेक्स्ट टाइम इज वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैग्स। सो प्रीवियसली आई हैव सेड टू यू कि वन बैग इज इक्वल टू 50 kg ऑफ सीमेंट। ओके, सो दीज आर इन केजी, सो 50 kg, सो वी हैव टू फाइंड आउट द बैग्स पर क्यूबिक मीटर फॉर M15 कॉन्क्रीट। ओके, एंड एज वेल एज वी हैव टू कैलकुलेट ऑल्सो सैंड इज सैंड इन मेट्रिक टन। ओके, दीज आर द वैल्यूज। ओके, थैंक यू गाइज, एंड यू हैव टू प्रिपेयर M5 and M7.5 also. Okay, thank you.